दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में हम चर्चा करेंगे जो आज के सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद कुछ प्रश्न हैं, जो इस महामारी से, कोरोना नाम की जो महामारी है, उससे जूझने में जिनके इस्तेमाल को लेकर, जिनके उपयोग को लेकर चर्चा है। भारत सरकार ने एक ऐसे ऐप को इंट्रोड्यूस किया है और देशवासियों से, खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के भी कर्मी हैं, इन सबको अनिवार्य कर दिया गया है कि सबका इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए कोई भारत सरकार के पास या हमारे संविधान में, हमारे कानून में कोई भले ही प्रावधान ना हो, कोई अलग से एक्ट ना हो, जैसे आधार का कानून आपको याद होगा कि पहले तो बगैर पार्लियामेंट के इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट की संस्कृति इसको मिल गई थी और वो पार्लियामेंट से कानून एक बन गया था। लेकिन इस ऐप को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एक्ट है उसी से एक तरह से जोड़ करके पेश किया जा रहा है और सरकारी इस आदेश को एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया है या जामा पहनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं समाज में, बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल भी हैं, इसे चैलेंज कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि हम उस राजनीतिक विवाद में जाएं या हम ऐप की उपयोगिता देखें। मेरा ये मानना है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे इस ऐप की उपयोगिता पर केंद्रित करनी पड़ेगी अपनी, चूंकि हमें बात संक्षेप में करनी है इसलिए हम इसकी उपयोगिता पर जाएंगे। पहली बात यह है कि यह मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन्स में भी इसके जरिए ही केवल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन मुल्कों में इस तरह के ऐप का बिल्कुल हूबहू ये ऐप नहीं, क्योंकि इसका सिस्टम अलग है, दूसरे मुल्कों में जो इस्तेमाल हुआ उनका अपना सिस्टम था, उनके सर्वर को लेकर, यहां के जो सारा डेटा जाएगा उसके सर्वर को लेकर अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। लेकिन उन मुल्कों में जो स्थितियां थी हमारे मुल्क से निश्चित रूप से बिल्कुल अलग है। ये जो ऐप हमारा है वो प्राइवेट पब्लिक एक पार्टनरशिप में इसको आकार दिया गया था, लेकिन संचालन सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि इसका जो डेटा है उसकी कोई कहीं से भी कोई लीक नहीं हो सकता, किसी को भी ये प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन इस दावे को लगातार खारिज किया जाता रहा है। और चूंकि पहले हमने देखा है कि बहुत सारे आधार को लेकर विवाद हुआ था और उस पर कहा भी था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश था कि लोगों के जो निजता से जुड़े जो तथ्य हैं वो एक तरह से फंडामेंटल राइट है, उनकी निजता की सुरक्षा, और किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस ऐप को लेकर विवाद बरकरार है। और इसकी उपयोगिता पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो स्मार्टफोन यूजर हैं, दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत के 30-32% के आसपास लोग व्यवहारिक स्तर पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी केवल भारत में 100 में 30-32-35 अधिकतम 30-32 लोग जो हैं 100 में वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऐप को लेकर जो एक बड़ा सवाल है, मैं समझता हूं कि जिसका भारत सरकार ने जवाब भी दिया है हाल में, और उन्होंने कहा है कि जो सवाल डेटा संबंधी उठाए जा रहे हैं कि इसमें लोगों के जो तमाम उनके हेल्थ को लेकर, उनके जीवन को लेकर तमाम तरह की जो जानकारियां हैं उस वो लीक होने का जो खतरा है या किन्हीं और हाथों में चले जाने का खतरा है, ये बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार ने बहुत शिद्दत के साथ इस बात को कही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले भी बहुत सारी चीजें इसी तरह की शिद्दत से कही गई थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ अनेक मामलों में और इसको लेकर विवाद बढ़ते रहे। तो एक ये जो प्रश्न है कि क्या इसके जो डेटा है वो सुरक्षित है, तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में अगर हम समझते हैं कि ये ऐप इतना ही अनिवार्य है कि हम आप सबको वो कर रहे हैं, तो आप कैसे इसका उपयोग कोरोना से जूझने में या कोरोना से लोगों को बचाने में या समाज को बचाने में इसका भरपूर इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे, जब 100 में केवल 30-32 आदमी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के स्मार्टफोन का। तो एक ये बड़ा प्रश्न है कि चीन की तरह, सिंगापुर की तरह दक्षिण कोरिया से भारत की तुलना की ही नहीं जा सकती, जहां स्मार्टफोन यूजर 100% है या
इंटरनेट के यूजर भी 100% है। हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट के यूजर्स जो हैं उनकी जो संख्या है उसमें वेरिएशन है और समय समय पर वो संख्या बदलती भी रहती है विभिन्न कारणों से। अब आज के दौर में जब इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, निश्चित रूप से पॉपुलेशन जो स्मार्टफोन और इंटरनेट यूज कर रही है उसकी संख्या में भी भारी कमी आने की पूरी आशंका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इकॉनमी को सोशियोलॉजी प्रभावित करेगी और सोशियोलॉजी को इकॉनमी भी प्रभावित करेगी। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि इस ऐप में 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे के बारे में एक रखा गया है कि वो आपको एक एक आंकड़े, एक एक गतिविधियों की जानकारी देगी। कल्पना कीजिए कि अगर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो उसकी जानकारी एक ऐसे व्यक्ति को भी मिल सकती है जो व्यक्ति इस ऐप को अपलोड किया है, और वो अगर उस तरह की कैटेगरी में आंकड़े खोजता है तो उसको तत्काल मिल जाएगी। अब इससे क्या फायदा है, क्या उस व्यक्ति को कोई फायदा है? फायदा यह है कि वो उसके इर्द गिर्द जाने से बचेगा, ये ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन अगर आप किसी बस में बैठे हैं, किसी आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बिल्कुल पास हैं किसी बाजार में, बिल्कुल अगल बगल कोई है तो क्या जानकारी मिल पाएगी, इस पर एक संदेह है। दूसरी बात यह है कि एक आम आदमी को जानकारी कितनी जरूरी है, शासन को जरूरी है, एजेंसियों को जरूरी है, हेल्थ जो जो स्ट्रक्चर अपने देश का है उसको जरूरी है, या एक आम आदमी को उसके मोहल्ले के या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे की इस तरह की जानकारियां जरूरी हैं। अभी दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि दोपहर में खाली जो बैठे लोग हैं, जो क्योंकि बहुत जगह लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जगह निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो इसी को देखते रहते हैं कि उनके इर्द गिर्द कितने पेशेंट हैं और इसको देखकर गपबाजी करने लगते हैं। तो इस तरह के समाज में मुझे लगता है कि एक अजीब तरह की अराजकता भी पैदा हो सकती है। इसको लेकर तरह तरह की बातें अभी से की जा रही हैं, आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। आज ही के अखबारों में हम एक दूसरा प्रकरण उठाते हैं कि एक 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 द्वारका के एक एक सोसाइटी में एक केस है कि वहां पर एक बहुत जाने माने डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं डॉक्टर हैं वो रहते हैं, और उस सोसाइटी में ये लोगों को पता चला कि डॉक्टर साहब COVID-19 के जो वार्ड है अस्पताल में उसके प्रभारी भी रहे हैं 15-16 दिन तक, और वो डॉक्टर साहब कहीं से भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनके टेस्ट भी उन्होंने कराए और सब निगेटिव आए, क्योंकि आजकल डॉक्टर लोग भी अपने अपने अस्पतालों में टेस्ट कराते रहते हैं और वो निगेटिव हैं, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी में ऐसा लगता है कि जब वो चलते हैं, वो स्वयं उन्होंने कहा है, उन्होंने रिपोर्ट किया है अखबारों ने उनको, वो पुलिस में भी उन्होंने रिपोर्ट किया है सोसाइटी के बिहेवियर को लेकर, सोसाइटी के अधिकारियों के बिहेवियर को लेकर, तो वो जब सोसाइटी में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ लोग, खासकर वे लोग जो वहां पर डोमिनेंट हैं, वो समझते हैं कि कोई प्रेत जा रहा है जो अचानक उनको हजम कर जाएगा, उनको खत्म कर देगा, और उनके साथ एक अजीब तरह के अनटचेबल की तरह बिहेवियर हो रहा है, जैसे वो कोरोना अछूत की एक नई कैटेगरी पैदा हो गई हो इस देश में, और कोरोना अछूत भी आप मान लिए हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, तो आप फूल वर्षा हेलीकॉप्टर से करा रहे हैं, आप जहाज से करा रहे हैं, आप बैंड बजा रहे हैं अस्पतालों के इर्द गिर्द स्वागत में, अभिनंदन में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के, लेकिन समाज में किस तरह का बिहेवियर अभी भी है इसको आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस ऐप से 30% या 32% लोगों के बीच में अगर आप जा भी पाते हैं तो एक बड़ा खतरा यह रहेगा कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। और बिल्कुल अंतिम बात जो मैं कहूंगा कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, समाज में कटुता तो नहीं बढ़ेगी, समाज में द्वेष तो नहीं बढ़ेगा, समाज में खुराफात तो नहीं बढ़ेगी, और ये एक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति तो नहीं पैदा होगी। इसके अलावा जो दूसरी बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि आज के दौर में भारत जैसे मुल्क को जो सबसे बड़ी जरूरत है, जिसकी चर्चा शुरू में ही की थी हमारे एक्सपर्ट्स ने कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, और दूसरा क्या कहा था हमारी सरकार ने भी कहा था कि इस दरमियान जो लॉकडाउन है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में सारा ध्यान दिया जाएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए एक मामूली रकम भी जारी कर दी गई, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार के तत्वाधान में केंद्रीय स्तर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन में
रिबिल्ड करने में अस्पतालों को नई नए नए पहले के अस्पतालों में कोविड के जो वार्ड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर किट को बढ़ाने में, जो किट्स हैं खासकर टेस्टिंग किट्स, आप जानते हैं कि टेस्टिंग किट्स जो आए किसी मुल्क से कैसे लौटा दिए गए थे क्योंकि उसमें खोट निकली थी, उसमें कमी निकली थी। लेकिन आज हमारे देश में बड़े स्तर पर टेस्टिंग न होने की एक वजह यह भी है कि अनेक प्रदेशों में टेस्टिंग किट नहीं पहुंचे हैं प्रॉपरली उतनी संख्या में जितनी उनकी जरूरत है। तो जो चीज जरूरी है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अस्पताल पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम ऐप पर ध्यान दे रहे हैं, हम डॉक्टरों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम एक कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए ऐप पर ध्यान दे रहे हैं, जो तमाम समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर बहुत सारी उसकी खूबी है, अगर उसके तकनीकी फायदे हैं तो उसके सामाजिक घाटे भी हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने छोड़े जाता हूं। और बिल्कुल अंत में मैं एक चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि अपने मुल्क में एक बड़ी समस्या है कोरोना को लेकर कि अभी भी गांव, कस्बों और छोटे मझोले शहरों में जहां पर संक्रमण नहीं है वहां संक्रमण कैसे उसको सीमित किया जाए, उसको बिल्कुल रोक दिया जाए, इसके लिए कारगर कदम उठाने के लिए जरूरत है। और जहां तक कोरोना पेशेंट पर निगरानी की जरूरत है उसके लिए स्पेसिफिक अगर ऐप हो जो सिर्फ कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए सीमित हो तो मैं समझता हूं कि वो भारत सरकार के लिए और पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए हमारे देश के उसके लिए एक उपयोगी चीज हो सकती है। लेकिन समूची आबादी में इस ऐप को इंट्रोड्यूस करना और जरूरी बताना, अनिवार्य घोषित करना, मुझे लगता है तमाम तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। इन शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।